हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन क्वार्टर बाई गाइड एजुकेशन। मैं आवेश कृष्णा। आज का सेकंड टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड डिस्क्रिप्शन में 3D में मम्स। मम्स आल्सो नोन एज एपिडेमिक पैरोटाइटिस। इट इज़ अ acute contagious viral infection which categorized by chiefly unilateral or bilateral swelling of salivary gland. Usually parotid glands involved. Mumps is also caused by paramyxovirus, which is RNA virus. It is spread through direct contact or droplet infection by gland. Salivary gland के अलावा mumps can involve or invade nerve, meninges, pancreas or gonads. It is usually called disease of children or disease of childhood. But may also affect the adult. Epidemiology of this disease restricted to human being. Its incubation period 14 to 18 days, which may extremely 1 to 4 weeks. It is also transmitted to respiratory tract or respiratory route, can be isolated in saliva. Of infected person or infected patient. It can be isolated 7 days before onset of parotiditis. Or 9 days after parotiditis.
Parotiditis means inflammation in the parotid gland. Pathogenesis of this disease is also same like measles. Respiratory tract को infect करेगा, ठीक है, through droplet या saliva, droplet या saliva या urine और fomites. और 2 to 3 weeks के अंदर वायरस स्टार्ट टू रिप्लिकेट. 2 to 3 weeks के अंदर रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है इन द रेस्पिरेटरी एपिथीलियम. और फिर इसका जो रूट ऑफ स्प्रेड है वो लिम्फ नोड है. सब्सिक्वेंटली ये इंटेस्टाइनल में मोनोन्यूक्लियर सेल्स को इफेक्ट करता है, उसे इन्फिल्ट्रेट करता है और एडिमा कॉज करता है. उसके बाद नेक्रोसिस डेवलप करता है ऑफ एसिनार सेल्स, एपिथीलियल डक्टल सेल्स में नेक्रोसिस कॉज करता है. जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नेक्रोसिस डेवलप करता है. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मम्स कैन बी सीन ऑनसेट ऑफ हेडेच, chills, moderate fever, vomiting, pain below the ear. क्योंकि parotid glands locate वहीं होता है तो ears lobe के नीचे, ears के नीचे pain develop होता है. सिम्टम्स क्या होंगे कि जो मांस डेवलप होगा, स्वेलिंग होगी, वो रबरी होगी, रबरी स्वेलिंग, इलास्टिक एंड एलिवेटिंग ईयर लोब्स which last about 1 week. Okay. अगर bilateral parotid gland involved होगा 70% cases में आपको bilateral parotid gland involvement दिखती है, ठीक है. टेंडरनेस, अगर पेन होगा, टेंडरनेस होगा रैपिड फेज में, ऐसे ही पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट होगा तो आपको टेंडरनेस और पेन स्वेलिंग के साथ देखने को मिलती है. स्वेलिंग जो होती है वो स्वेलिंग मैक्सिमम 3 days तक चलती है और उसके बाद 2 to 3 days पीक पे हो जाती है, फिर ग्रेजुअली सबसाइड होती जाती है. 2 to 3 days बाद ग्रेजुअली सबसाइड होती है. पैरोटिड के अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड्स में भी हो सकता है पर बहुत ही रेयरली मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है. पैरोटिड ग्लैंड
जो डक्ट है, पैरोटिड डक्ट है, वो बक्कल म्यूकोजा में ऑफ्टेन पफी और रेडेंड दिखती है। मम्स समटाइम्स मे कॉजेस एपिडिमायोर्चाइटिस। इन एडल्ट मैन में ये बहुत वर्स कंडीशन है। अगर सीवियर स्टेज जाती है कॉम्प्लिकेशन के तौर पे तो एपिडाइमो और चाइटिस डेवलप हो जाता है, रेयरली। इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखते हैं एब्रप्ट स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, वार्म्थ हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है टेस्टिकल्स में, इंफ्लामेशन हो जाता है स्क्रॉटम में, सीएनएस इन्फेक्शन आपको या सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, सीएनएस इन्फेक्शन आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन में। एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? अगर एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन होगा तो पेशेंट को फीवर होगी, वोमिटिंग होगा, नेक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, नेक स्वेलिंग आपको नोटिस मिलेगा, स्टिफनेस होगी, नेक स्टिफनेस होगी, सीजर्स होंगे, वर्स्ट कंडीशन है, सीजर्स डेवलप हो जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा का भी सेम सिचुएशन होता है। जोग्रेन सिंड्रोम में आप सिम्टम्स नोटिस कर सकते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज एचआईवी वायरस इन्फेक्टेड पीपल में भी आप ये कंडीशन देख सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप आरटीपीसीआर करा लीजिए, सीएसएफ एग्जामिनेशन करा लीजिए, सेरेब्रल फ्लूइड एग्जामिनेशन करा लीजिए, या कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट करा लीजिए, एलाइजा करवा लीजिए, सीरम एनालिसिस करवा लीजिए, ये सब आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ही, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया, जो कॉम्प्लिकेशन है वो अदर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है और अफेक्ट करता है, डिजीज़ कॉज करता है, टेस्टिस को, जैसे अभी ऊपर डिस्कस हुआ था टेस्टिस में एपिडिडाइमो और चाइटिस कॉज करता है, ओवरी को इन्फेक्ट करता है, डिजीज डेवलप करता है, पेंक्रियाज को इफेक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, ओकेजनली आप प्रोस्टेट को भी इन्वॉल्व कर लेता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को, एपिडिडाइमिस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, समटाइम्स इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व हार्ट ऑल्सो। ओके, आपको 20% केसेस में आपको ऑर्चाइटिस, मेल के केस में ऑर्चाइटिस देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, उस कंडीशन में मे बी बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा, ये सीवियर कंडीशन है। प्रोग्नोसिस ऑल्दो डिसकंफर्टिंग है पर ऑफ्टेन
इट इज़ ऑल्सो फेटल एंड समटाइम ओवरऑल प्रोग्नोसिस इज गुड बट समटाइम डेथ ऑल्सो ऑफर्स ड्यू टू CNS इन्वॉल्वमेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल प्रोग्नोसिस तो ओवरऑल प्रोग्नोसिस गुड होता है. अनकम्प्लिकेटेड केस में आप कह सकते हैं जो ये प्रोग्नोसिस है, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अनकम्प्लिकेटेड केस है, तो प्रोग्नोसिस ओवरऑल गुड हो जाएगा. ट्रीटमेंट के तौर पे हम हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और एलिमेंटेशन देते हैं, वैक्सीनेशन को यूज़ करते हैं. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट मम्स.